हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों की भूख, हाजमा और वज़न बढ़ाने के लिए हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और इस रेसिपी को आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच टाइम में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। साथ ही दोस्तों, इस रेसिपी को आप बच्चों को लूज मोशन में भी बनाकर दे सकते हैं। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच मूंग की दाल ली है। ये देखिए, छिलके वाली दाल ली है और मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और आप देख सकते हैं, अच्छे से ये फूल गई है। तो सबसे पहले हम इसे 2 बार और पानी से वॉश कर लेंगे। इसके लिए बाउल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसे इस तरह से मिक्स करते हुए हम वॉश कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा जो पानी है इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, दाल को मैंने लगभग 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास के लगभग पानी और पानी में उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल। तो ये देखिए, दाल को मैंने पानी में डाल दिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं दाल को बॉईल करते हुए। ये देखिए, दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। मैंने इसमें 1-2 बार चम्मच चलाकर इसे चेक कर लिया था। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान कर अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसे छानने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसके ऊपर हम छलनी लगा देंगे और ये जो बॉईल की हुई दाल है इसे छलनी के ऊपर डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, दाल को छलनी के ऊपर डाल दिया है मैंने और इसका जो पानी है वो नीचे आ गया है। और अब इसे हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके बच्चों की भूख भी बढ़ेगी और ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और ये हमारा मूंग की दाल का पानी बनकर तैयार हो चुका है छोटे बच्चों के लिए। और इसे आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों को पिला सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों को लूज मोशन है, बच्चा खाना खाने के बाद उसे उलट देता है, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी आराम मिलेगा। और इस रेसिपी को आप सप्ताह में 3 से 4 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके की नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।